हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इंटेली गुरु पर स्वागत है। तो आज का कैलकुलस का जो वीडियो सीरीज चल रहा है या फिर कैलकुलस जो पार्ट चल रहा है, आज का वीडियो ये फोर्थ लेक्चर होने वाला है कंटिन्यूटी के बारे में, यानी कह लीजिए कि संततता या फिर सांतत्य या फिर सतता, जो भी आप आसानी हो कहने में, उसका ये चौथा लेक्चर है। इसके पहले तीन वीडियो में हम लोग स्टार्टिंग के कुछ वीडियो में इंट्रोडक्शन देखे, कैसे पहचानते हैं कि कंटिन्यूटी क्या होती है, उसकी कुछ शर्तें क्या होती हैं, ठीक है। और हम लोग ये भी देखने की कोशिश किए कि हाँ कैस कब लिमिट पुट करनी चाहिए, किस कंडीशन में हमें डायरेक्ट लिमिट पुट करना चाहिए, किस कंडीशन में हमें डिनोमिनेटर का परिमेय करने, यानी इंग्लिश में बोले तो कब उसका हमें रेशनलाइजेशन करना चाहिए, ये सब हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप नए हैं चैनल पर और ये वीडियो आपके लिए नया है, तो पिछले वीडियो को देखने के लिए, फिर ये चीज समझ नहीं पा रहे हैं तो पिछले वीडियो को देखने के लिए मैं उस सब का लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप उसके थ्रू जा सकते हैं और वीडियो को उसमें जो भी टॉपिक डिस्कस किया है देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि फर्दर क्वेश्चन, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं या फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको देखने वाले हैं। एक क्वेश्चन दिया गया है कि एक फंक्शन है या फिर हिंदी में बोलिए तो फलन है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अगर एक्स जो है एक से क्या है, छोटा है या फिर एक के बराबर है, ठीक है। दूसरा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फाइव अगर एक्स हमारा बड़ा होगा, और वो पूछ रहा है कि चेक कीजिए कि क्या ये दिया गया फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है कि नहीं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज बता दें, बहुत लोग को ये कंफ्यूज करता है, ये चीज समझ नहीं आती है क्या दिया गया है। तो देखिए f of x is equal to, अब इसको मैं थोड़ा ब्रेक कर दूं, f of x is equal to क्या होगा, x होगा, क्योंकि यहां पे देखिए लिखा गया है x is less than, x या तो 1 होगा या फिर 1 से छोटा होगा, तो क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 भी हो सकता है, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है। दूसरा जगह लिखा है f of x is equal to क्या होगा, 5 होगा। देखिए f of x is equal to 5 कब, जब x की वैल्यू क्या होगी, 1 से बड़ी, यानी 2 3 4 5 6 ऐसे बढ़ती जाए, तो इसका मतलब ये है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि चेक कर रहा है कि ये गिवन फंक्शन यानी जो दिया गया फलन है वो सतत या कंटिन्यूअस है किन किन पॉइंट पर, x बराबर 0 पर, x बराबर 1 पर और x बराबर 2 पर, ये चीज हमको पता करनी है, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। पहला चीज आप हम निकालेंगे x बराबर 1 पर, पहला कंडीशन क्या है, लिखेंगे एट एक्स बराबर जीरो पर, सॉरी एक्स बराबर जीरो पर, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो या फिर आप लिख सकते हैं हिंदी में एट एक्स बराबर जीरो पर, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, एक्स बराबर जीरो यानी एक्स की जगह पे क्या रखा जाएगा, जीरो रखा जाएगा। तो यहां पे जब आप एफ ऑफ जीरो निकालेंगे, एफ ऑफ जीरो यानी कि एफ ऑफ जीरो यानी एक्स बराबर जीरो, तो एक्स बराबर जीरो किस कंडीशन में, ऊपर वाले में या नीचे वाले में, तो देखिए यहां लिखा है एक्स लेस देन और इक्वल जीरो या तो सॉरी वन, यानी x की वैल्यू एक से छोटा, तो एक से छोटा पहले वाले में, जीरो एक से छोटा है, तो क्या आ जाएगा, ये f of zero is equal to, यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, x, ठीक है। तो f of zero यानी x, तो x की जगह पे अगर हम जीरो रखेंगे तो f of zero की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई, ये देखिए। अब अगर हम यहीं पे एट x बराबर जीरो पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें तो क्या हो जाएगा, LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट जीरो एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स, क्या हो जाएगा आगे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, देखिए पहले वाले कंडीशन में x है, ठीक। उसके बाद लिमिट एक्स टेंस टू, अब यहां पे देखिए जब हम जीरो माइनस होता है तो क्या हो जाता है, जब जीरो माइनस यानी a माइनस जीरो माइनस h हो जाएगा, तो लिमिट h टेंस टू जीरो और ये आपका हो जाएगा x की जगह पे क्या हो जाएगा, जीरो माइनस h। तो फाइनली लिमिट जब यहां पे रख देंगे, h की वैल्यू रख देंगे आप लोग, तो क्या हो जाएगा ये, जीरो माइनस जीरो यानी जीरो। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई। ऐसे ही आप लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो राइट हैंड लिमिट जब निकालेंगे तो लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस, ठीक है, f ऑफ x क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस और f ऑफ x की वैल्यू x वही यहां पे भी है, फिर लिमिट h टेंस टू जीरो और यहां पे x की जगह पे क्या हो जाएगा, जीरो प्लस h हो जाएगा, क्योंकि हम लोग राइट हैंड लिमिट निकाले हैं।
अब जब क्या रखेंगे, 0+0 यानी कि 0 हो गया। तो ध्यान दीजिए कि f ऑफ 0 0 है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी 0 है, राइट हैंड लिमिट 0 है, अतः दिया गया फलन बिंदु x बराबर 0 पर सतत है। अतः दिया गया फलन बिंदु x बराबर 0 पर सतत है, या फिर लिख सकते हैं सो इंग्लिश में गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर 0। ठीक है, अब अगर आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें x बराबर 1 पर। x बराबर 1 पर तो यहां पे डायरेक्ट निकालिए f ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी। f ऑफ 1 यानी कि जब x की वैल्यू 1 हो, तो x की वैल्यू 1 कब है, देखिए यहां पे है x इज लेस और इक्वल, ये भी पहला ही आएगा, तो f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर f ऑफ 1 की वैल्यू 0, सॉरी f ऑफ 1 की वैल्यू 1, क्यों, क्योंकि देखिए f ऑफ 1 तो x की जगह पे 1, तो x इज लेस देन 1 या फिर इक्वल 1, तो देखिए लेस और इक्वल यानी कि जब भी x की वैल्यू 1 या फिर 0 या फिर -1 या फिर माइनस 2 तो वो पहले में आएगा। तो देखिए इसमें भी क्या होगा, पहले में तो x की जगह पे 1 रखा जाएगा, तो f ऑफ 1 की वैल्यू 1 आ गई, पहला चीज हमारा हो गया। जब दूसरा निकालेंगे, देखिए अब क्या है कि x, अब हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, तो यहां से थोड़ा सा शॉर्टकट आप लोग अपनाइए, लेफ्ट हैंड लिमिट अपनाना है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, सेम चीज, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f ऑफ x की वैल्यू देखिए x है, सिंपली वही x है, तो फिर क्या हो जाएगा, लिमिट x h टेंस टू 0, क्यों, क्योंकि अभी हम लोग यहां पे रखेंगे और x की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस h, x की जगह क्या आ जाएगा, 1 माइनस h, तो ये क्या हो गया आपका लिमिट, यहां से लिमिट मत रखिए, यहां पे क्या डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू रख देंगे, तो 1 माइनस h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइनस 0 यानी 1 हो गई, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, 1 आ गई। अब हमें निकालना है राइट हैंड लिमिट, क्या निकालना है, राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट में क्या होता है, 1 प्लस यानी 1 से ज्यादा, तो यहां पे ध्यान दीजिए राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंस टू 1 प्लस और f ऑफ x, तो 1 प्लस का मतलब क्या होता है, 1 से ज्यादा, 1 प्लस का मतलब क्या होता है, 1 से ज्यादा, तो 1 से ज्यादा वाला क्या किस में आएगा, देखिए ये 1 या 1 के 1 से 1 या 1 से कम है और ये वाला 1 से ज्यादा है, तो 1 से ज्यादा सेकंड वाले में आएगा, तो जब ये रहेगा तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस या फिर लिमिट x टेंस टू 1 प्लस और यहां पे क्या हो जाएगा 5, f ऑफ x की वैल्यू 5, तो यहां पे कुछ है नहीं यानी फाइनली इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आएगी। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दीजिए, f ऑफ 1 की वैल्यू 1 है, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 1 है, लेकिन राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो यहां पे देखिए जो f ऑफ 1 इज इक्वल टू LHL लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू RHL, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर नहीं है, सो गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस या फिर कह सकते हैं डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर या फिर x इज इक्वल टू 1, यानी कि ये असतत है किस पर, गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस या फिर गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट पॉइंट x इज इक्वल टू 1, x बराबर 1 पर ये क्या है, असतत है यानी कि सतत नहीं है। ठीक है, अब x बराबर 2 वाला निकाल लीजिए, तो देख लीजिए x बराबर 2 तो f ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f ऑफ 2 यानी कि x की जगह पे 2 होगा, तो x की जगह पे 2 होगा तो किस में आएगा, तो x की जगह पे 2 यानी x की वैल्यू 2 हो गई, तो 2 क्या है, 2 1 से बड़ा है यानी ये ही वाला आएगा, दूसरा आएगा,
तो एफ ऑफ टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। यानी कि एफ ऑफ टू आप निकाल लीजिए, ठीक है। हम लोग किस पे सॉल्व कर रहे हैं, एट एक्स इज इक्वल टू 2 पर, और ये एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर, और ये एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर था, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ टू, एफ ऑफ टू यानी x बराबर तो 5 आया। क्यों 5 आया, क्योंकि 2 जो है 1 से बड़ा है और ये दूसरे वाले कॉलम में आएगा, दूसरे वाले शर्त में कंडीशन में आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस, तो 5 से थोड़ा सा कम, तो 5 से कम इसी में आएगा, दूसरे वाले में ही आएगा ना, 5 से थोड़ा सा कम तो इसी में आएगा। तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस, और ये 5 है, फाइनली इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी। इसी प्रकार राइट हैंड लिमिट की भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, ठीक है। 5 आ गई यहां पे, 5 आ गई यहां पे, 5 आ गई। तो ध्यान दीजिएगा कि आपका यानी कि x एट x बराबर 1 0 निकाले हैं, लिमिट कंटिन्यूअस थी, क्या होगा, फलन गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, x बराबर 1 पर कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि यहां पे देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, ठीक है। जब x बराबर 2 आप निकाले हैं, x बराबर 2 पर सॉल्व करने गए हैं, तो f ऑफ x की वैल्यू कितनी, f ऑफ 2 की वैल्यू 5 आई है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 5 आई है, सॉरी हां तीनों की वैल्यू 5 आई, इसकी भी 5 है, लेफ्ट हैंड लिमिट की भी 5 है, राइट हैंड लिमिट की भी 5 है, यानी तीनों लिमिट आपकी क्या हो गई, 5 आ गई, यानी तीनों बराबर हो गया। इसका मतलब कि दिया गया फंक्शन, दिया गया फलन बिंदु 5 पर, सॉरी x बराबर 2 पर, या फिर पॉइंट x बराबर 2 पर कंटिन्यूअस है, या फिर कह सकते हैं उसको कि फंक्शन सतत है। तो इस प्रकार से चेक करते हैं, आई होप इस पे हम आप लोग क्लियर हो गया होगा इस टाइप के क्वेश्चन पर कि कैसे निकाला जाता है कि हाँ दिए गए बिंदु पर किसी गिवन पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन या फिर फलन कंटिन्यूअस या सतत है या नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन जो है आपका, कई बार पूछा गया है, एक बार इसको देखिए पढ़िए क्या पूछा क्वेश्चन है। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3, अगर दो जो एक्स है दो से या दो के बाद दो से छोटा है दो के बराबर हो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3 अगर एक्स की वैल्यू दो से बड़ी हो। तो ध्यान दीजिए एक बार हिंदी में क्या पूछा है, असतता या फिर असांतत्य की वो सभी बिंदुओं की खोज कीजिए या फिर जांच कीजिए जो इस फंक्शन को या फिर फलन को दर्शाते हैं, फिर दिए गए फलन के लिए उन सभी बिंदुओं की जांच कीजिए जिस बिंदु पर दिया गया फलन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस या फिर असतत होगा या फिर असांतत्य होगा, ठीक है। यहां पे देख लीजिए कि ये x बराबर 2 या फिर 2 से छोटा होगा तो पहले वाले कंडीशन में आएगा, x से अगर x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी तो दूसरे कंडीशन में आएगा। एक चीज ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है कि x क्या दिया हुआ है कि x इज लेस देन 2, x इज लेस और इक्वल टू, इसका मतलब कि 2 के पहले, 2 के पहले 1 आता है, मान लीजिए 2 हो गया तो 2 के पहले 1 आता है, 0 आता है, माइनस 1 आता है, माइनस 2 आता है, ठीक है, माइनस 3 आता है। ध्यान दीजिए यानी इसका मतलब 2 के पहले बहुत सारे नंबर आते हैं, जितने भी नंबर आएंगे तो उस चीज को हम लोग ये लिख करके देखिए x इज लेस को, x इज लेस देन 2 को और क्या लिख सकते हैं, यानी कि माइनस इंफिनिटी से लेकर के 2 के बीच में जितनी वैल्यू आएगी उसको हम लोग लिखेंगे x इज लेस देन 2। ध्यान दीजिए माइनस इंफिनिटी से लेकर के 2 तक जितनी भी वैल्यू आएगी उसको हम लोग इस कंडीशन में रखेंगे, x इज लेस देन 2 वाले कंडीशन में, ठीक है। अब अगर कहीं लिखा हो x इज ग्रेटर देन 2, क्या लिखा हो, x इज ग्रेटर देन 2 यानी x की वैल्यू 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा यानी 2 4 6 यानी क्या होगा 3 4 5 6 ऐसे बहुत सारे नंबर हो जाएंगे, तो इसको x इज ग्रेटर देन 2 को क्या लिख सकते हैं, हम लोग x इज ग्रेटर देन 2 को लिख सकते हैं 2 से लेकर यानी 2 के बाद जो नंबर आ रहा है प्लस इंफिनिटी तक, ठीक है, 2 से लेके प्लस इंफिनिटी तक, यानी कि देखिए इन दोनों कंडीशन को हम लोग और ये यूनियन से ज्वाइन कर दे रहे हैं। यूनियन मतलब कि इसको और इसको आपस में जोड़ दिया गया, इसको और इसको आपस में जोड़ दिया गया, तो अब ये दो यहां पे कॉमन है, देख लीजिए ध्यान से देखिएगा, दो यहां पे कॉमन है, ये दो कॉमन है,
तो क्या कर सकते हैं, अब इसको और क्या लिख सकते हैं, माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक, यानी माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक। अब एक चीज देखिए, लेकिन दो तो पता नहीं है, एक चीज और ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहां दो की जगह पे कुछ भी कोई नंबर हो सकता है, एक दो तीन चार पांच छह सात, ये जो लॉजिक यहाँ पे बता रहा हूं नियम, वो सबके लिए सेम होगा। क्या होगा, यहाँ पे अगर तीन होगा x is less than 3, तो इसको x is less than 3 या फिर x is greater than 2, तो क्या कर सकते हैं, x is less than 3 को हम लोग माइनस इंफिनिटी से 3 लिख सकते हैं, और x is greater than 3 मान लीजिए अगर 3 होगा तो बात कर रहे हैं, दो से लेके प्लस इंफिनिटी या फिर प्लस अनंत तक लिख सकते हैं। अब देखिए ये कॉमन है दोनों में, जब ये कॉमन है दोनों में तो इसको माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक लिख सकते हैं। अब दूसरी चीज, हम लोग दो कॉमन है, दो को तो छोड़ दिए, अब माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी या फिर माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक, इसको रियल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं, यानी इसको क्या बोलते हैं, रियल नंबर। और ये रियल नंबर क्या इंक्लूड किया है, माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी। अब मान लीजिए पूछा गया, तो अब कह सकते हैं कि दिया गया फंक्शन हर एक नंबर, दिया गया फंक्शन हर एक रियल नंबर पर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है, हमारा जो फंक्शन क्या होगा, सतत कंटिन्यूअस होगा या फिर सतत होगा, हिंदी में क्या उसको बोलेंगे, सतत होगा। अब हमको ये नहीं पता है कि दो पे क्या होगा, x बराबर दो पे नहीं पता है, हम लोग दो के पहले दो के बाद सब कुछ चेक कर लिए हैं, देखे हैं कि हाँ इस पे रियल नंबर है, ये क्या पॉलिनोमियल बन जा रहा है, और ये पॉलिनोमियल क्या होता है, बहुपद या फिर पॉलिनोमियल क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। तो अब चेक करेंगे हम लोग x बराबर दो पर, तो चलिए x बराबर दो पे चेक करते हैं, एट x इज इक्वल टू टू, x बराबर दो पर, तो जब हम लोग x बराबर दो पर चेक करेंगे f ऑफ टू पर, x बराबर दो पर, तो f ऑफ टू की वैल्यू क्या निकलेगी, देखिए x बराबर दो पर क्या है हमारा, x बराबर दो पर हमारा फंक्शन क्या है, 2x प्लस 3, तो 2 मल्टीप्लाई में x की वैल्यू कितना है, 2 प्लस 3, तो क्या हो जाएगा ये 2 दुना 4, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 3, यानी कि 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7। तो ध्यान दीजिए f ऑफ 2 यानी कि f ऑफ 2 यानी कि x बराबर 2 पर f ऑफ 2 की वैल्यू 7 है, ध्यान दीजिएगा x बराबर 2 पर f ऑफ 2 की वैल्यू 7 आ गई। इसी प्रकार हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, एल एच एल निकालेंगे, तो एल एच एल क्या होता है, लिमिट एक्स टेंस टू, क्या दो निकाले तो दो माइनस दो से थोड़ा सा कम, तो लिमिट एक्स टेंस टू टू माइनस, और दो माइनस यानी दो से थोड़ा सा कम, और दो से थोड़ा सा कम वाला वैल्यू किस में आएगी, दो से थोड़ा सा कम या फिर दो के बराबर उसी में आएगी, 2x प्लस 3 में आएगी, तो उसकी वैल्यू क्या है, 2x प्लस 3। अब जब आप 2 माइनस है तो यहां पर लगा सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0, और h टेंस टू 0 यानी कि अब क्या हो जाएगा, x की जगह पे 0 माइनस h, तो 2 ब्रैकेट में 0 माइनस h और ब्रैकेट क्लोज प्लस 3, अब 2 माइनस h, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब h की जगह पे 0 रखा जाएगा तो ये हो जाएगा 2 2 माइनस 0 प्लस 3, इधर 2 गुना 4 और 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। हम अगर राइट हैंड लिमिट निकालें, आर एच एल निकालें, तो हमारा आर एच एल क्या आ जाएगा, लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस, यानी 2 से ज्यादा, और 2 से ज्यादा कहां भैया, देखिए 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा है 2x माइनस 3 वाला आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 3। अब क्या करेंगे हम लोग, लिमिट एच टेंस टू 0 और ये हो जाएगा ब्रैकेट में 2 और x की जगह पे 2 प्लस h ब्रैकेट क्लोज माइनस 3। ध्यान दीजिए x की जगह पे 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 माइनस 3, तो फाइनली दो दूना सॉरी क्या है 2x माइनस 3 है ना, हाँ ये माइनस 3 हो जाएगा, तो x की जगह पे हाँ सही परफेक्ट है 2 प्लस 0 माइनस 3, तो 2 दुना 4 ये हो जाएगा 4 और उधर माइनस 3 यानी कि 4 माइनस 3 1। अब ध्यान दीजिएगा मेन चीज, x बराबर 2 पर f ऑफ 2 की वैल्यू 7, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 7, लेकिन राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई 1,
ये और ये सात आया है, लेकिन यहां पे सात ना आकर के एक आ गया, सात ना आकर के एक आ गया, तो इतना हो गया कंफर्म हो गया कि सो एट एक्स इज इक्वल टू टू गिवेन फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस, गिवेन फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस, अतः बिंदु एक्स बराबर दो पर दिया गया फलन क्या है भैया? असतत, असतत, इसको हिंदी में बोलेंगे असतत है। यानी कि जो ये आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक्स बराबर दो पर डिसकंटिन्यूअस है, बाकी एक्स बराबर दो को छोड़कर के जितनी भी नंबर दुनिया में कही जाएंगी या फिर जितनी भी नंबर इस पर्टिकुलर रेंज में फॉलो होंगी, उस नंबर पर ये फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। सिर्फ एक्स बराबर दो पर ये क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा। आई होप इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग कर सकते हैं, बहुत इजी है। अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार वीडियो को आप लोग पॉज करके, लेकिन समझिए बहुत कोई पहाड़ नहीं है, कितना इजी से एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन एक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं या फिर कहिए अगला क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पिछला क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व किए हैं उसी की तरह बिल्कुल है और थोड़ा सा चेंज हो गया है। ठीक है, देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या था, एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस टू था और एक थ्री एक्स प्लस टू था, और वहां पे एक्स इज लेस आर इक्वल टू और एक्स इज ग्रेटर देन टू था, यानी कि हम लोग माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी गए थे और क्या था वहां पे कि एक रियल नंबर बन गया था। यहां पे भी कुछ ऐसा है, मैं शायद इस वीडियो जो भी ये कंटिन्यूटी फील्ड कैलकुलस पढ़ा रहा हूं इसके दूसरे या तीसरे वीडियो में बताया था कि जब भी मॉड रहेगा, मॉड को जब ब्रेक करेंगे तो दो दो राशियों में डिवाइड होगा, तो स्टेप में एक होगा पॉजिटिव प्लस एक्स जब एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, यानी कि एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी हो, और दूसरा माइनस होगा जब एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी हो। इस दो कंडीशन में एक्स की वैल्यू आएगी, एक प्लस एक्स होगी एक माइनस एक्स होगी। तो यहां पे देखिए इस फंक्शन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ब्रैकेट यहां पे देखिए कैसे सॉल्व होगा, जब ये प्लस एक्स होगा तो एक्स बाई एक्स डिवाइड होकर क्या बनेगा? वन बनेगा। ठीक है, प्लस एक्स, और वो किस कंडीशन में? जब एक्स क्या हो? पॉजिटिव आए, प्लस एक्स आए, लेकिन जब मॉड एक्स को और माइनस एक्स ब्रेक होगा तो माइनस एक्स बाई एक्स बनेगा। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस एक्स बाई एक्स, तो माइनस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल, तो ये माइनस वन होगा ना, और ये कब होगा? जब एक्स की वैल्यू क्या हो? वन से छोटी हो, जब एक्स की वैल्यू क्या हो? वन से छोटी हो। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहां पे लिखेंगे इस फंक्शन को ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, इस फंक्शन को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहां पे ये हो जाएगा वन कब? जब एक्स की वैल्यू क्या हो? ग्रेटर देन, एक्स की वैल्यू किससे, सॉरी ये वन नहीं होगा, जीरो होगा। ठीक है, जब x की वैल्यू किससे? जीरो से बड़ी हो। ठीक है, अब ये माइनस वन होगा कब? जब x की वैल्यू जीरो से छोटी हो, और ये पॉइंट दिया ही है कि जीरो होगा कब? जब x की वैल्यू जीरो हो। तीन कंडीशन आपको मिली कि ये वन होगा जीरो से जब बड़ी हो, माइनस वन होगा जीरो से जब वैल्यू छोटी हो, जीरो होगा जब x की वैल्यू जीरो हो। तो ध्यान दीजिए ये माइनस वन से वन की तरफ चल रहा है, माइनस वन से वन, तो इसको क्या बोलेंगे? माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी बोल सकते हैं, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। देखिए माइनस वन से वन तक है ये, माइनस वन से वन तक, इसको माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी कह सकते हैं, यानी इसको रियल नंबर कह सकते हैं, यानी इसको रियल नंबर कह सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन अब जीरो वाला चीज हमको नहीं पता है, जीरो पे नहीं पता है, ये रियल नंबर हो गया, इसको इतने को इतने पार्ट को रियल नंबर बोलेंगे, तो लिख सकते हैं सो द गिवन फंक्शन, द गिवन फंक्शन वुड बी कॉन्टिन्यूअस। क्या होगा? सो द गिवन फंक्शन वुड बी कॉन्टिन्यूअस ऑन, मतलब बिंदुओं पर, किस बिंदुओं पर? आर, आर यानी रियल नंबर, लेकिन आर यानी इसको बोले माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक ये क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा, लेकिन जीरो पर हमें नहीं पता है।
जीरो पे नहीं पता है कि जीरो पे कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, तो वही क्या कर देंगे माइनस जीरो। ठीक है, यानी कि ये जो r माइनस जीरो, अब r माइनस जीरो यानी कि जीरो एक ऐसा फंक्शन है जिसपे हमको नहीं पता है, यानी कह सकते हैं इसका मतलब ये हुआ कि जीरो पर छोड़कर, जीरो को छोड़कर जितने भी रियल नंबर होंगे उन सभी रियल नंबर पर ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा या फिर सतत होगा। अब हम जीरो पे निकालेंगे तो चेक करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो जब एट एक्स इज इक्वल टू जीरो रखेंगे तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो आ गई। और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस, एक्स टेंस टू जीरो माइनस, और जीरो माइनस यानी जीरो से छोटा, तो जीरो से छोटा क्या है हमारी वैल्यू, तो जीरो से छोटा जब है तो एफ ऑफ एक्स, तो फाइनली जीरो से छोटा इसका आंसर क्या आएगा, जीरो से छोटा यानी माइनस वन। देख लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आई है, माइनस वन आई। राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालिए, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालिए, तो जब राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालेंगे तो लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, 0 प्लस f ऑफ x। अब सिंपली में क्या हो जाएगा, 0 प्लस यानी 0 से ज्यादा, 0 से ज्यादा किस में आएगा पहला, तो इसकी वैल्यू 1 है, 1 है। अब देख लीजिए आप खुद क्लियर कर सकते हैं कि यहां पे माइनस वन है, यहां पे वन है, यहां पे जीरो है, तो कह सकते हैं कि सो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो द गिवन फंक्शन, गिवन फंक्शन इज डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर लिख सकते हैं डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर डिसकंटिन्यूअस, आप जो लिखना चाहें लिख सकते हैं। हिंदी में बोलेंगे तो क्या लिखेंगे, अतः बिंदु x बराबर शून्य पर दिया गया फलन असतत है, बिंदु x बराबर शून्य पर दिया गया फलन असतत है। ये क्वेश्चन नंबर 8 था सर। इसी प्रकार अगर मान लीजिए सेम क्वेश्चन हो जाएगा, अगर वो बदल दे x इज डिवाइडेड बाय मॉड x, ठीक है, ये क्वेश्चन है x डिवाइडेड बाय मॉड x, बाकी जीरो है। अब इसका आप लोग बताइएगा क्या होगा, अगर मान लीजिए आप लोगों को आ रहा है, फिर अगर वीडियो जो लोग देख रहे हैं सच में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो क्या करेंगे वो लोग, ये उलट देंगे x बाई मॉड x करेंगे, सॉल्व करेंगे क्या क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं है, ये आप लोगों के लिए समझिए होमवर्क है, जो लोग यहाँ पे सच में अगर वीडियो देख रहे हैं, जो लोग यहाँ तक पहुंचे हैं तो वो चेक करेंगे कि x बराबर मॉड x पे क्या उसका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन में क्या है, इसके पहला सभी पैटर्न सेम है। अब इतना चीज ध्यान दीजिए, जब भी अगर ये आए नंबर यानी कि इक्वल ग्रेटर इक्वल वन लेस देन वन, यानी कि जब भी ऊपर नीचे नंबर सेम हो, समान संख्या हो, समान नंबर हो, तो वो इतना ध्यान लीजिए कि हमेशा उसको माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में रखेंगे और उसको क्या बोलेंगे, रियल नंबर बोलेंगे, ठीक है, आर बोलेंगे। सेट क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, और जो भी जितने भी फंक्शन होंगे, जितने भी नंबर आएंगी, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स की जितनी भी नंबर्स होंगी वो इस पर्टिकुलर रेंज में क्या होंगी, कंटिन्यूअस होंगी। ठीक है, एफ ऑफ एक्स के जितने बिंदु होंगे इस पर्टिकुलर रेंज में क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दीजिए, जब भी ऐसा कुछ है नॉर्मली बिना देखे बोल देंगे कि हाँ भैया वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, उसको एक रियल नंबर बोलेंगे, रियल नंबर पर जितना होगा वो कंटिन्यूअस होगा। तो यहां पर लिख सकते हैं सो द गिवन फंक्शन f of x is continuous for all real number, ठीक है, जितने भी real number दी गई हैं उसके लिए continuous होगा। लेकिन इतना लिखने के बाद आप क्या करेंगे, जो ये point जो last में दिया रहेगा number उस पे उसकी continuity check करेंगे। So लिखेंगे now let's check continuity at x is equal to 1, ek baar hindi bol de, so diya gaya phalan
एफ ऑफ एक्स सभी रियल नंबर, सभी निश्चित संख्याओं पर क्या होगा? सतत होगा। अतः अतः बिंदु x बराबर 1 पर फलन की सतता चेक करने पर, जांचने पर क्या करेंगे? देखिए f ऑफ 1 की वैल्यू बताइए, x बराबर 1 यानी f ऑफ 1, यानी कि f ऑफ 1 यानी x की वैल्यू 1 किसमें होगी? पहले में f ऑफ 1 की वैल्यू 1 प्लस 1 यानी कि 2 हो गया ये आपका, ठीक। अब लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू बताइए, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x की वैल्यू 1 माइनस में कितनी है भैया? यानी 1 से कम, 1 से कम यानी कि x स्क्वायर प्लस 1 है, x स्क्वायर प्लस 1, तो क्या आ जाएगा लिमिट x स्क्वायर प्लस 1, तो लिमिट क्या आ जाएगा? h टेंड्स टू 0। अब देखिए x स्क्वायर प्लस 1 x की जगह पे क्या हो जाएगा? x की जगह पे क्या हो जाएगा? h टेंड्स टू, देखिए x टेंड्स टू 1 माइनस, अब यहां पे x की वैल्यू कितनी लिख रहे हैं हम लोग? 0 रख रहे हैं, और x की जगह पे 1 माइनस h हो जाएगा, अब स्क्वायर प्लस 1, तो जब 0 की जगह h की जगह पे 0 रखा जाएगा तो क्या जाएगा? 1 माइनस 0, तो 1 माइनस 0 बनेगा 1, तो 1 का स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 1 बराबर 2 ये हो गया। इसी प्रकार जब आप लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट, तो देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस यानी 1 से अधिक, 1 प्लस मतलब 1 से अधिक, 1 प्लस 1 से अधिक किस में आ रहा है? दूसरे में आ रहा है, तो क्या आ जाएगा? f ऑफ x, तो ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 और f ऑफ x किस में पड़ रहा है? x प्लस 1 में पड़ रहा है, तो x प्लस 1, ठीक है, तो x की जगह पे क्या हो जाएगा? 1 प्लस h हो जाएगा, तो 1 प्लस h, x की जगह पे 0 रखेंगे तो 1 प्लस 0 प्लस 1 यानी कि 1 प्लस 1 यानी कि 2। अब ध्यान दीजिए, हम लोग ये भी दिखा दिए कि फॉर ऑल x बराबर r की सभी वैल्यू पर ये जो फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस होगा, सतत होगा। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, x बराबर 1 पर चेक कर रहे हैं कि दिया गया फंक्शन कंटिन्यूअस होगा कि डिसकंटिन्यूअस होगा। तो चेक किए, पहले f ऑफ 1 की वैल्यू निकाले 2 आ गया, फिर उसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे ये भी 2 आ गया, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे ये भी 2 आ गया, यानी कि पहली बात ये r पर क्या है, हर बिंदु पर सतत है, एंड x बराबर 1 पर भी क्या है, ये सतत है। अब आप क्लियरली लिख सकते हैं, सो द गिवन फंक्शन, ये जो दिया गया फलन है, इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल ऑफ x इज इक्वल टू r, यानी कि सॉरी x के सभी रियल नंबर पर दिया गया फलन क्या है, कंटिन्यूअस है, क्या है, कंटिन्यूअस है, मतलब कि सतत है, संतत है, ठीक, जो भी है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन आएंगे, अब दो तीन इस पे दो तीन पैटर्न, इस प्रकार क्वेश्चन पे सेम पैटर्न पे दो तीन क्वेश्चन हो गया है, अगर ऐसा जब भी आए ग्रेटर आर इक्वल और लेस आर इक्वल ए नंबर रहे, आपको सबसे पहले यही लिखना है कि दिया गया फलन बिंदु के आर के सभी, यानी कि कोई जो रियल संख्या है आर, उसके सभी वैल्यू पे, सभी मानों पर क्या होगा, सतत होगा। उसके बाद चेक करेंगे, आप चेक करने जाएंगे क्या, सेकंड लाइन लिखेंगे, यानी जब यहाँ पे जो दो तीन चार पांच लिख दिया रहे उसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे, यहां दिखाएंगे अगर f ऑफ 1, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर तीनों आपस में बराबर हो रहा है तो दिया गया फलन सतत होगा, अदरवाइज असतत यानी डिसकंटिन्यूअस होगा। तो ये था आपका आज के लेक्चर का टॉपिक, यानी कि कंटिन्यूटी से रिलेटेड आज का वीडियो, जो भी आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। और अगर अभी भी आप हमारे चैनल पर नए हैं, यहां तक पहुंचे हैं, देख रहे हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जो लोग 12th क्लास में पढ़ रहे हैं। और थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियोस, मिलते हैं अगले वीडियो में।